Join Forum IAS Academy, trusted by hundreds of toppers, including IAS Rank 1 Shruti Sharma. Hello everyone, this is Prem Surani, and today we are going to discuss about the formation of Himalaya and especially about their geological history. कैसे वो बने हैं और क्या एग्जैक्ट मैकेनिज्म था. एंड दिस फॉर्मेशन ऑफ हिमालय इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंट्रिगिंग. ठीक है, बहुत सारे ऐसी फीचर्स हैं हिमालयस की जो एक एक करके हम समझते जाएंगे. आज के लेक्चर में बेसिकली हम समझेंगे कि प्लेट टेक्टोनिक्स जो है कैसे वो हमारे हिमालयस को फॉर्म करने में एक थ्योरी हेल्प करती है समझने में, एक तो वो, और बेसिकली वी नीड टू अंडरस्टैंड सम थ्योरीज. फॉर एग्ज़ाम्पल कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, यू शुड नो एटलीस्ट सम बेसिक्स आपको पता होने चाहिए. दूसरा, यू शुड नो वट इज़ सी फ्लोर स्प्रेड थ्योरी, वट इज़ कन्वेक्शनल करंट थ्योरी. सो बेसिकली हम ये थोड़ा सा थ्योरीज को देखते हुए फिर हम बात करेंगे कि कैसे हिमालयस फॉर्म हुए. तो एक एक करके समझते हैं, चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ कि दिस सेशन इज़ गोइंग टू बी बायलिंगुअल. ठीक है, तो दोनों ही हिंदी एंड इंग्लिश में दोनों को समझ में आता रहेगा. ठीक है, सो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी. अब आप जो कॉन्टिनेंट्स देखते हैं, दे वर नॉट एक्चुअली इन दिस शेप एंड साइज, है ना, जो आज आपको दिखते हैं. सो उनकी लोकेशन भी चेंज हुई है, उनका फॉर्मेशन भी काफ़ी हद तक इम्पैक्ट हुआ है. सो बेसिकली इसी चीज़ को स्टडी करते हैं हमारे अल्फ्रेड वेगनर. एक थ्योरी देते हैं जिनको एक्चुअली वो एक क्लाइमेट स्टडी करने जाते हैं एंड सर्टेन उनको एनोमलीज मिलती हैं कि इंडिया में जब वो आते हैं तो इक्वेटर के पास वाली पोजीशंस, जैसे कि आप देखिए छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा के पास, उनको एविडेंसेस मिलते हैं कि कहीं पे हमारे हिस्ट्री में, जियोलॉजिकल हिस्ट्री में, इंडिया के इस भाग में पेनिनसुलर प्लेट्यू के पास ग्लेशियर्स हुआ करते थे. एंड दिस एविडेंस ऑफ ग्लेशियल टिल was quite surprising for Alfred Wegener. ठीक है, दूसरा, Alfred Wegener ने देखा कि स्वीडन जहाँ पे एक जगह है, दैट इज किरूना. ठीक है, सो इन दिस किरूना ऑफ स्वीडन उनको मिलते हैं, लेट्स से दिस इज किरूना. सो किरूना, ठीक है, किरूना दिस इज सिचुएटेड इन स्वीडन एंड ये बहुत हायर लेटिट्यूड्स पे है जहाँ पे अदरवाइज आप देखेंगे तो हायर टेम्परेट क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, या फिर यूं कहें कि टेम्परेचर काफ़ी कम है. अब यहाँ पे इनको मिलते हैं कोल डिपॉजिट्स. ठीक है, तो किरूना हैज सम कोल डिपॉजिट्स एंड कोल डिपॉजिट्स जो हैं अदरवाइज इज द फीचर ऑफ द एरियाज जहाँ पे टेम्परेचर एंड प्रेशर काफ़ी ज़्यादा हो. यानी कि मैं यूं कह सकता हूँ कि इक्वेटर के आसपास के जो एरियाज होते हैं वहाँ पे कोल फॉर्म होना चाहिए, लेकिन स्वीडन में कोल अगर मिल रहा है सो दैट इज समथिंग विच हैज़ रेज सम क्वेश्चंस इन अल्फ्रेड वेगनर्स माइंड आल्सो. तो अल्फ्रेड वेगनर एक जियोलॉजिस्ट नहीं थे, एक ज्योग्राफर नहीं थे, बल्कि वो तो एक क्लाइमेट स्टडी कर रहे थे एंड उनको कुछ सरप्राइजिंग चीज़ें मिलती हैं जिससे वो प्रेरित होके एक थ्योरीज को एक थ्योरी देते हैं जिसका नाम है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी. अब उनके सामने दो चीज़ें थी. अगर मैं आपको यहाँ पे समझाऊँ, फॉर एग्जांपल इफ दिस इज़ द अर्थ एंड दिस इज़ द इक्वेटर. ठीक है, सो इंडिया आपको पता है कि इंडिया इज सिचुएटेड समवेयर हेयर एंड स्वीडन इज समवेयर हेयर. तो इंडिया में अगर ग्लेशियल टिल्स पाए जाते हैं, द एविडेंस ऑफ ग्लेशियल टिल इन इंडिया एंड द कोल डिपॉजिट्स इन दिस हायर लेटिट्यूड्स, ये जो है इसके चलते वेगनर के दिमाग में दो चीज़ें आती हैं. या पहला कि क्लाइमेटिक जोन्स शिफ्ट हुए हैं, कि पहले शायद ये इक्वेटर ना हो के कि हो सकता है यहाँ पे पोल हो, या फिर दूसरी चीज़ ये थी कि हो सकता है कि ये इंडिया का भाग पहले कहीं यहाँ पे हो पोल के पास. तो इन दो चीज़ों के चलते हुए ही इंडिया के पास ग्लेशियल टिल हो सकता है एंड ऐसे ही स्वीडन के पास कोल डिपॉजिट हो सकते हैं अगर स्वीडन कहीं यहाँ रहा हो. सो इस केस में अल्फ्रेड वेगनर दूसरे ऑप्शन को चुनते हैं, यानी कि उनको लगता है कि ये जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो अपनी पोजीशन में पहले बहुत अलग थे एंड इसी के चलते हुए उन्होंने कहा कि मान लेते हैं कि इंडिया वॉज समवेयर हेयर. ठीक है, यानी कि हम साउथ पोल की तरफ थे. ठीक है, एंड इसके चलते हुए वो एक थ्योरी देते हैं जिसका नाम है
कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, ठीक है, या फिर उसको उन्होंने कहा कि पोल फ्लिंग फोर्सेस या पोल फ्लिंग थ्योरी, मतलब पोल के पास से सारे कॉन्टिनेंट्स मूव करना स्टार्ट करते हैं अलग अलग डायरेक्शन में, ठीक है। अब ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो है क्या है वो थोड़ा सा हम देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी उन्होंने दी दो बार, 1912 में ओरिजिनली देते हैं, 1922 में उनको मॉडिफाई करनी पड़ती है, बताऊंगा मैं कि क्यों मॉडिफाई करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि उनके बेसिक अजम्पशन क्या थे। तो उनका पहला अजम्पशन था कि सियाल जो है, दैट इज सियाल लेयर, दैट इज सिलिका एंड अल्यूमिनियम लेयर, इज एक्चुअली फ्लोटिंग ओवर सीमा लेयर, ठीक है, दैट इज सिलिका एंड मैग्नीशियम लेयर। एंड ये जो फ्लोट कर रहा है सियाल ओवर सीमा, ये फ्रिक्शन फ्री है, यानी कि फ्रीली मूव कर रहा है, फ्री फ्लोटिंग है, ठीक है। दूसरा उनका जो, दिस इज फर्स्ट अजम्पशन। द सेकंड अजम्पशन उनका था जो था ड्रिफ्टिंग फोर्सेस को लेके। सो अकॉर्डिंग टू वेगनर, द ड्रिफ्टिंग फोर्सेस जो रेस्पॉन्सिबल थे फॉर दिस हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ऑफ कॉन्टिनेंट्स, तो उनमें उन्होंने कहा कि पहला कि सन एंड मून का ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। दूसरा उन्होंने कहा कि अर्थ का खुद का ग्रेविटेशनल फोर्स, एंड फ्लोटिंग फोर्स जिसको उन्होंने कहा कि फोर्स ऑफ ब्योयंसी, ठीक है। तो ये प्राइमरीली उन्होंने बताया कि फोर्सेस हैं रेस्पॉन्सिबल फॉर ये जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो ड्रिफ्ट करते हैं। अब इनकी थ्योरी समझते हैं। अकॉर्डिंग टू वेगनर, इनकी थ्योरी में सबसे पहले ये कहते हैं कि समवेयर अराउंड, लेट से बिफोर कार्बोनिफेरस इरा, ठीक है, पीरियड, ठीक है। तो बिफोर कार्बोनिफेरस जो ये टाइम था उसमें उनके हिसाब से कि ऑल द कॉन्टिनेंट्स वर कंबाइंड टुगेदर, एंड ये जो कॉम्बिनेशन था, दैट सुपर कॉन्टिनेंट जो था, इसको कहा जाता था पेंजिया, अकॉर्डिंग टू वेगनर, ठीक है। एंड ये पेंजिया जो था, दैट वॉज सराउंडेड, इसके चारों तरफ एक बहुत बड़ा सुपर ओशियन था, एंड दिस इज नोन एज पेंथा लासा, ठीक है। सो ये बात बता रहे हैं वो प्री कार्बोनिफेरस फेज की, ठीक है। प्री कार्बोनिफेरस ये थी पोजीशन, जो कॉन्टिनेंट थे सारे के सारे एक सुपर कॉन्टिनेंट थे, एंड वो एक बड़े सुपर ओशियन से घिरे हुए थे जिसका नाम था पेंथलासा। अब उनके हिसाब से कार्बोनिफेरस पीरियड में क्या होता है कि ये जो पेंजिया है ये दो भागों में टूट जाता है, ठीक है। एंड क्यों टूट रहा है, उनके वो फोर्सेज याद रखिए, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन एंड मून एंड ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, ठीक है। तो अभी इतना ही समझिए, धीरे धीरे समझेंगे कि क्या उनकी थ्योरी में सही था क्या गलत था। अब इनके हिसाब से आफ्टर कार्बोनिफेरस पीरियड ये क्या हुआ कि इन्होंने कहा कि पेंजिया जो है वो दो भागों में टूट गया, यानी कि अब ये पोजिशन थी, एक पार्ट था नॉर्दर्न पार्ट, एक पार्ट हुआ सदर्न पार्ट, ठीक है। एंड इसको इन्होंने कहा अंगारा लैंड या लॉरेंशिया, एंड ये जो था सदर्न पार्ट इसको बोला गया गोंडवाना। आप समझ रहे होंगे गोंडवाना इंडिया की एक जगह है, तो क्योंकि उनको ग्लेशियल टिल मिलता है, एविडेंस ऑफ ग्लेशिएशन इन इंडिया, पेनिनसुलर इंडिया में जहां पे ग्लेशिएशन होने की अभी कोई संभावना नहीं है, तो इस हिसाब से उन्होंने यहां पे नाम, आप समझ सकते हैं गोंडवाना नाम कहां से आ रहा है, ठीक है। अब इसके हिसाब से जब दो भागों में टूटा तो यहां पे बीच में एक ओशनिक बॉडी है या वाटर बॉडी है, ये ओपन होती है, ठीक है, बीच में पानी जो है, एंड ये आपका पेंथलासा कंटिन्यूअसली है ही अभी तक। सो दिस पेंथलासा वॉज देयर, बट दिस न्यू बॉडी ऑफ वॉटर वॉज ओपन, एंड ये जो नई बॉडी खुलती है इसको बोलते हैं हम टेथिस सी, ठीक है, यानी कि अब टेथिस सी फॉर्म हुआ है बिटवीन नॉर्दर्न पार्ट एंड बिटवीन सदर्न पार्ट, एंड दैट इज नथिंग बट अंगारा एंड गोंडवाना। अब कार्बोनिफेरस पीरियड के बाद ये जो कॉन्टिनेंट ब्रेकिंग है ये कंटिन्यूअस स्टार्ट रहता है, एंड आफ्टर दिस क्या होता है कि तीसरे फेज में वो बोलते हैं कि अब क्या हो रहा है धीरे धीरे कि नॉर्दर्न पार्ट जो है वो भी टूट रहा है, एंड गिविंग राइज टू सम नॉर्थ अमेरिका यूरेशिया वाला पार्ट, एंड दिस पार्ट ऑफ गोंडवाना इसमें आपके साउथ अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, ये सब कंबाइंडली इसी गोंडवाना लैंड से बाहर निकलते हैं। यानी कि अगर मैं इसको ऐसे बताऊं तो दिस इज, लेट से दिस इज नॉर्थ अमेरिका, दिस इज लेट से यूरोप, देन यहां पे आपको दिखेगा साउथ अमेरिका, देन अफ्रीका,
ठीक है, देन यहाँ पे इंडियन प्लेट, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका, एंड यहाँ पे आपकी ये जो वाटर बॉडी है और थोड़ी सी वाइड हुई है, या यूं कहें कि टेथिस सी की ओपनिंग और खुली है। तो यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं कि अंगारा लैंड से क्या क्या जो कॉन्टिनेंट्स हैं जो प्रेजेंटली हमें दिखते हैं वो यहाँ से बन के आते हैं, तो टेक एन स्क्रीन शॉट अगर आप लेना चाहते हैं, अदरवाइज आई एम गोइंग टू फॉर्मेट दिस वन। ठीक है, सो आफ्टर दिस वॉट हैपन्ड अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड वेगनर, जो अंगारा लैंड है, दिस अंगारा लैंड हैज गिवन राइज टू पहला नॉर्थ अमेरिका, प्रेजेंट डे जो यूरोप एंड एशिया है, या फिर यूं कह लें कंबाइंडली यूरेशिया। सो दिस टू वर फॉर्म्ड बाय अंगारा लैंड, एंड साउथ जो आपका गोंडवाना लैंड है सदर्न, वहां से आपके बन के आते हैं या फॉर्म होते हैं नंबर वन साउथ अमेरिका, देन अफ्रीका, इंडियन प्लेट, इंडियन सबकॉन्टिनेंट, देन अंटार्कटिका एंड फाइनली ऑस्ट्रेलिया। अमेरिका था, ये कंबाइंड था इसी पार्ट से, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया भी यहीं था, गोंडवाना लैंड से निकला है, अब इंडिया भी गोंडवाना लैंड से ही निकला है अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। अब उनके अकॉर्डिंग, ये तो था प्रेजेंट डे का अरेंजमेंट, अब उनके अकॉर्डिंग दो फोर्सेस काम कर रहे हैं प्राइमरीली, जो दो उन्होंने फोर्सेस दिए, पहला है ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन एंड मून। अकॉर्डिंग टू वेगनर, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन एंड मून जो है उसने वेस्टवर्ड जो मूवमेंट हुआ है, दैट इज बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन एंड मून, ठीक है, एंड जो नॉर्थवर्ड मूवमेंट हुआ है, फॉर एग्जाम्पल इंडिया वॉज समवेयर हेयर विद दिस अफ्रीका, यहां से वो इस पोजिशन में अगर पहुंचा है, दैट इज नथिंग बट बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ इटसेल्फ, है ना, ग्रेविटेशनल पुल, एंड उसी पुल के चलते हुए इंडियन प्लेट जो है वो इक्वेटर की तरफ मूव करती है। तो ये दोनों जो फोर्सेस थे उनके हिसाब से, इन दोनों के कारण ही ये पूरी की पूरी जो आप आज की सिचुएशन में कॉन्टिनेंट्स देखते हैं, वो आज की सिचुएशन में इस दोनों फोर्स के कारण है, ठीक है। अब उनके हिसाब से ये जो थ्योरी है उसमें आप कुछ कुछ वाटर बॉडीज देखेंगे, ठीक है। तो अब मैं आपको डायग्राम दिखाता हूं अल्फ्रेड वेगनर वाला। अब आप देखिए, दिस वॉज पेंजिया ब्रोकन इंटू लॉरेंशिया एंड गोंडवाना, यही है अंगारा एंड गोंडवाना। अब आप देखिए, दिस इज साउथ अमेरिका, देन अफ्रीका, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, देन अंटार्कटिक एंड ऑस्ट्रेलिया, ये सब यही है, यहां से आपका नॉर्थ अमेरिका एंड दिस यूरेशियन पार्ट, ठीक है। नाउ व्हाट हैपेंड इज, आप देखिए वेस्टवर्ड मूवमेंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका, ये वेस्टवर्ड मूवमेंट जो है दैट इज प्राइमरीली बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन एंड मून, ठीक है। एंड ये जो नॉर्थवर्ड मूवमेंट है, इंडिया हैज स्टार्टेड इट्स जर्नी टुवर्ड्स नॉर्थ, दैट इज बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल पुल। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर में इंडिया जो है वो ऊपर की तरफ मूव करता है नॉर्थ में, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए, बहुत इंटरेस्टिंगली कुछ कुछ मैं आपको समझाता हूँ कि वाटर बॉडीज कैसे बन रही हैं। सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ पैंथलासा था, ठीक है, चारों तरफ। अब जब ये दो भागों में टूटा तो ये बीच में जो वाटर बॉडी है, दैट इज योर टेथिस सी। अब यहाँ पे देखिए, इंडिया इज नाउ मूविंग टुवर्ड्स, यहाँ पे टुवर्ड्स यूरेशिया, तो टेथिस सी का जो पार्ट है वो क्लोज होगा, एंड देयर वुड बी न्यू ओपनिंग, एंड दिस इज योर इंडियन ओशियन, ठीक है, यहाँ पे दिस इज इंडियन ओशियन। तो इंडियन ओशियन विल बी फॉर्म्ड व्हेन इंडियन प्लेट विल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम दिस अफ्रीकन पार्ट टुवर्ड्स यूरेशियन पार्ट, एंड उसी प्रोसेस में टेथिस सी जो है वो क्लोज होगा, ठीक है। एंड इन द सेम प्रोसेस आप देखिए, व्हेन साउथ अमेरिका जो है वो सेपरेट हो रहा है फ्रॉम अफ्रीका, देयर इज एन ओपनिंग, एंड यही ओपनिंग जो है आपकी अटलांटिक ओशियन बनाती है, ठीक है। एंड दिस नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका ये विल बी सेपरेटेड बाय दिस अटलांटिक ओशियन इटसेल्फ, ठीक है। तो अटलांटिक ओशियन कैसे बना, इंडियन ओशियन कैसे बना, एंड ये जो टेथिस सी आपको दिख रहा है, ये टेथिस सी जो है अल्टीमेटली अब मेडिटेरेनियन सी के रूप में आपके सामने है, ठीक है। सो मेडिटेरेनियन सी इज नथिंग बट रेमिनेंट, या फिर यूं कहें रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ नथिंग बट
33 सी, ठीक है। तो मेडिटेरेनियन ही आज की तारीख में बचा हुआ है आउट ऑफ 33 सी। एंड ये जो आपका पैंथलासा था, ये अब अपनी साइज में काफी कम हो चुका है, रिड्यूस हो चुका है, एंड यही आपका आज की तारीख में पैसिफिक ओशियन है, ठीक है। तो पैंथलासा हैज बीन रिड्यूस्ड इनटू पैसिफिक, टेथिस सी हैज बीन रिड्यूस्ड इनटू मेडिटेरेनियन, इंडियन ओशियन नई ओपनिंग है, साउथ जो अमेरिका एंड नॉर्थ अमेरिका सेपरेट होके एस शेप अटलांटिक ओशियन बनाते हैं। सो दिस इज द अल्फ्रेड वेगनर्स थ्योरी। अब यहाँ पे कुछ एविडेंसेस हैं जो इनके सपोर्ट में है, इस थ्योरी के सपोर्ट में है। जैसे आपके पास मैं एविडेंसेस की बात करूँ, तो अगर मैं बात करूँ फॉर एग्जाम्पल यूरोप में आपके किरुना कोल ले लीजिए आप, दिस कोल एंड नॉर्थ अमेरिका के अपलेशियन कोल, दे आर क्वाइट सिमिलर इन देयर फॉर्मेशन, और उनकी स्ट्रक्चर में काफी सिमिलरिटी है। देन आप देखोगे एग्जैक्टली साउथ अमेरिका जो है वो अफ्रीका के अंदर फिट हो सकता है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एविडेंस है, मैं आपको दिखाता हूँ इसको। फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम गोइंग टू क्रिएट दिस अफ्रीका एंड तो आपको दिखेगा कि ये साउथ अमेरिका फिट हो सकता है एग्जैक्टली इन दिस अफ्रीका, ठीक है, यू कैन कंबाइन देम टुगेदर। तो इससे भी पता चलता है कि देवर अर्लियर कंबाइंड। तीसरा आपको एविडेंस मिलता है कि देयर आर सर्टेन गोल्ड डिपॉजिट्स ऑन घाना कोस्ट, ये है घाना कोस्ट, ठीक है, अफ्रीका का, यहां पे गोल्ड प्लेसर डिपॉजिट मिलते हैं एंड गोल्ड प्लेसर डिपॉजिट्स जनरली रिवर्स के थ्रू लाए जाते हैं। अब यहां पे कौन सी रिवर आ रही है, तो ये रिवर कोई और नहीं बल्कि अमेजन रिवर है। तो अमेजन रिवर तो अभी ब्राजील के यहां पे है, ठीक है, इन दिस साउथ अमेरिका वाला पार्ट। सो अर्लियर दिस गोल्ड जो डिपॉजिट्स हैं, प्लेसर डिपॉजिट्स, दे आर ऑल्सो फाउंड, अभी तक वो मिलते हैं आपके घाना कोस्ट पे। तो दिस इज ऑल्सो वन एविडेंस, ठीक है। जिग्सा फिट हमने देखा। सो एविडेंस में अगर बात करूं तो सबसे पहला मैंने देखा जिग्सा फिट, देन मैंने देखा कि एज ऑफ द कोल फ्रॉम अपलेशियन, फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका एंड फ्रॉम ये स्वीडन वाला पार्ट दैट इज किरुना, दिस कोल फॉर्मेशन इज क्वाइट सिमिलर। देन मैंने देखा ये रॉक्स जो साउथ अमेरिका में है एंड दीज रॉक्स विच आर सिचुएटेड इन अफ्रीकन पार्ट, दे आर ऑल्सो हैविंग ऑलमोस्ट सिमिलरिटी इन जियोलॉजिकल फॉर्मेशन, ये भी सेम है। फिर एक इंटरेस्टिंग हमने देखा कि चलिए ठीक है, हमने मान लिया कि एनिमल्स कैन माइग्रेट, भाई जो एनिमल्स अभी अफ्रीका में पाए जाते हैं फॉर एग्जाम्पल दैट इज ऑल्सो फाउंड इन इंडिया, फॉर एग्जाम्पल लॉयन, लेकिन एनिमल हो सकता है कि माइग्रेट कर गए हों, दे आर फास्ट मूविंग एनिमल्स, फॉर एग्जाम्पल लॉयन। बट अगर मैं आपसे कहूं कि कुछ ऐसा फ्लोरा है, ऐसे पेड़ हैं जो अफ्रीका में भी पाए जाते हैं, इंडिया में भी पाए जाते हैं, साउथ अमेरिका में भी पाए जाते हैं, अंटार्कटिक में एंड ऑस्ट्रेलिया में भी, यानी कि ये सब जो फ्लोरा है एक बहुत बड़ा एविडेंस है कि पहले ये सब कंबाइंड टुगेदर थे एंड दैट वॉज गोंडवाना। अब ये जो फ्लोरा है दैट इज ग्लोसो पैट्रिस फ्लोरा, ठीक है। तो ये फ्लोरा अगर पाया जाता है, अब पेड़ तो माइग्रेट नहीं कर सकते ना, अगर पेड़ इंडिया में है, अंटार्कटिक में भी है, ऑस्ट्रेलिया में भी है, देन दिस इज द एविडेंस कि ठीक है पहले ये सब एक साथ थे एंड बिकॉज कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ है एंड देयरफॉर यू आर फाइंडिंग दिस एविडेंस इन ऑल द कॉन्टिनेंट्स। और भी जैसे एविडेंस आपके पास है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं यूरोप में एक एनिमल होता है लेमिंग्स, ये लेमिंग्स जो हैं रेड टाइप छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं। अब जब इनकी पॉपुलेशन बढ़ जाती है तो पहले क्या था कि आपने देखा कि ये सारे जो कॉन्टिनेंट सब एक साथ थे तो इनके पास अभी भी बिहेवियरल हैबिट है इनकी कि जब भी इनकी पॉपुलेशन बढ़ती है ये वेस्ट साइड भागते हैं, ठीक है। एंड आपने एक ज्योग्राफी में पढ़ा होगा जो स्वीडन एंड नॉर्वे है यहाँ पे बिल्कुल आपका जो कोस्ट है और बिल्कुल कोस्ट खत्म होते ही सरप्राइजिंगली यहाँ पे ओशियन है, इनको बोलते हैं हम फिजॉर्ड कोस्ट, ठीक है। अब इन एनिमल्स जब ये भागते हैं इनको पता नहीं होता कि वेस्ट साइड में ओशियन है एंड जब वो भागते हैं, जब उनकी पॉपुलेशन बढ़ती है इस बिहेवियर के कारण, क्योंकि पहले सब कंबाइंड थे ना तो उनके हैबिट में है अभी भी बिहेवियरल हैबिट में कि वहां पे भी लैंड पार्टी होगा, बट सरप्राइजिंगली नाउ देर इज ओशियन एंड वो सब के सब एक साथ ओशियन में गिरते हैं, जिसे हम बोलते हैं मास सुसाइड। तो ये एनिमल का बिहेवियर एक और एविडेंस है। इस तरह से काफी सारे एविडेंसेस हैं जो अल्फ्रेड वेगनर की थ्योरी को सपोर्ट करते हैं। अब अल्फ्रेड वेगनर जो हैं उनसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए,
ये क्वेश्चन में पूछा गया कि भाई माउंटेन्स कैसे बने, तो उन्होंने अपनी थ्योरी को थोड़ा सा मॉडिफाई किया 1922 में, और उन्होंने कहा कि ये जो माउंटेन्स बने हैं, ये तो एविडेंस की बात कर ली हमने, अब उन्होंने कहा कि ये जो माउंटेन्स बने हैं दैट इज बिकॉज ऑफ लेट से दिस इज सियाल एंड नाउ सियाल इज फ्लोटिंग ओवर सीमा, एंड इस सीमा में जब वो सीमा के ऊपर फ्लोट करते हैं देन देयर इज फ्रिक्शनल कंपोनेंट, एंड बिकॉज ऑफ दिस फ्रिक्शन क्या हो रहा है कि ये सेडिमेंट्स जो हैं ये अपरैप हो रहे हैं, एंड आफ्टर दिस अपरैपिंग आपको यहाँ पे क्या मिलेंगे, माउंटेन फॉर्म हो जाते हैं, माउंटेन बिल्ड हो जाते हैं. सो दिस थ्योरी वॉज मॉडिफाइड बाय वेगनर बिकॉज ये जो मॉडिफिकेशन है उनको सूट कर रहा था, जो वो थ्योरी दे रहे थे उसको सूट कर रहा था. अब उन्होंने इसका एग्जाम्पल बताया, उन्होंने कहा कि देख लीजिए आप रॉकीज जो हैं वो कहाँ पे हैं, रॉकीज आप देखोगे तो वो बिल्कुल कॉन्टिनेंट के किनारे पे हैं, ठीक है. तो उन्होंने कहा देखो ये जो प्रोसेस है, ये जो फ्रिक्शन है वो कॉन्टिनेंट के किनारे पे हो सकता है, कॉन्टिनेंट के मार्जिन पे हो सकता है, इसलिए आपको माउंटेन्स हमेशा मार्जिन पे मिलेंगे. उनसे पूछा गया भाई फिर हिमालय का फॉर्मेशन कैसे हुआ, तो वहां पे वो फंस गए, ठीक है. लेकिन जो किनारे पे रॉकीज थे या फिर आपका एंडीज हैं वो उन्होंने बता दिए. अब उनसे दूसरा सवाल पूछा गया कि भाई चलिए ठीक है कॉन्टिनेंट्स आपने बता दिए, पहले दे वर ऑल टुगेदर बट बिकॉज ऑफ दिस कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दे केम इनटू दिस पोजीशन जो अभी हम देखते हैं, दिस इज परफेक्टली फाइन, ठीक है. लेकिन ये जो आइलैंड्स बने हैं, हाउ दीज आइलैंड्स हैव बीन फॉर्म्ड, तो उन्होंने कहा कि ये आइलैंड्स जो हैं दे आर जस्ट फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ डिफरेंशियल रेट ऑफ देयर मूवमेंट, यानी कि जो कॉन्टिनेंट है, फॉर एग्जाम्पल दिस अमेरिका, सो अमेरिका वॉज फॉर्म्ड, ठीक है, एंड दिस अमेरिका हैज ट्रेवल्ड टूवर्ड्स वेस्ट साइड एंड नॉर्थ साइड, लेकिन कुछ अमेरिका का जो पोर्शन है उसकी रेट ऑफ मूवमेंट जो है वो थोड़ी स्लो है, एंड देयर फोर दे आर रिमेंड बिहाइंड, जो ये रिमेंड बिहाइंड टेरिटरीज हैं दे आर नथिंग बट, उसने कहा कि ये आइलैंड फॉर्म हो गए, यानी कि आइलैंड का फॉर्मेशन उन्होंने बताया कि ये वो पीछे रह जाने वाले छोटे छोटे पार्ट हैं जो कॉन्टिनेंट की स्पीड के साथ मैच नहीं कर पाए. अब इन सब थ्योरीज के चलते हुए वो काफ़ी सारे ज्योग्राफर्स के निशाने पे होते हैं, एंड उनका सबसे बड़ा जो फ्लॉ होता है दैट वाज हिज फोर्स. तो उनकी थ्योरी में जो क्रिटिसिज्म है, सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म है कि उन्होंने जो फोर्सेस बताए कि दिस इज रेस्पॉन्सिबल, तो उसमें उन्होंने बताया टाइडल पुल ऑफ सन एंड मून. अब उस टाइम पे ये टाइडल फोर्स इस कॉन्टिनेंट को ब्रेक करने के लिए और मूव कराने के लिए कम से कम आज की सिचुएशन से 10,000 मिलियन टाइम्स स्ट्रॉन्गर होना चाहिए था, और अगर ये इतना स्ट्रॉन्गर होता तो अर्थ का रोटेशन ही रुक गया होता, जो कि पॉसिबल नहीं हुआ. इसका मतलब वो फोर्स तो नहीं है. दूसरा उनका जो बड़ा क्रिटिसिज्म था कि उन्होंने अपनी थ्योरी मॉडिफाई की. आपने देखा ना कैसे उन्होंने कहा कि पहले तो उन्होंने कहा कि सियाल इज फ्लोटिंग ओवर सीमा विदाउट फ्रिक्शन, लेकिन जब उन्होंने देखा कि माउंटेन बिल्डिंग नहीं हो रही है अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, तो उन्होंने 1922 में मॉडिफाई करके बोला कि दिस इज नॉट फ्रिक्शनल, नॉट फ्रिक्शनलेस मूवमेंट, वहां पे फ्रिक्शन है, एंड बिकॉज ऑफ दिस फ्रिक्शन ओनली दी सेडिमेंट्स आर बींग फोल्डेड एंड ये जो है माउंटेन्स बन रहे हैं. सो एक बहुत फेमस लाइन कही जाती है ज्योग्राफी में जब भी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी की बात की जाती है कि अल्फ्रेड वेगनर वॉज नॉट वर्किंग एज अ साइंटिफिक ऑब्जर्वर, ठीक है, या फिर न्यूट्रल साइंटिफिक पर्सपेक्टिव नहीं था उनका, ही वॉज एक्चुअली वर्किंग एज एन एडवोकेट. और एडवोकेट क्या करते हैं, एविडेंसेस को सूट कराते हैं अपने केस से. तो वो भी ऐसे ही कर रहे थे कि दे ही वॉज एक्चुअली क्रिएटिंग एविडेंसेस इन ऑर्डर टू सपोर्ट हिज थ्योरी. सो दिस वॉज सम ऑफ द फ्लॉज इन हिज थ्योरी हम कह सकते हैं, एंड देयर फोर आपकी आगे वाली थ्योरीज आती हैं. बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग एंड द सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ दिस हिज थ्योरी इट वॉज कि होरिजोंटल डिस्प्लेसमेंट हुआ है. द सेंट्रल थीम ऑफ दिस थ्योरी वॉज एक्सेप्टेड बाई ऑल द ज्योग्राफर्स, एंड उस टाइम पे 1912 में इस तरह की थ्योरी देना अपने आप में ज्योग्राफी के यूं कहें कि डोमेन के लिए एक बहुत बड़ी बात थी. सो दिस वॉज द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ अल्फ्रेड वेगनर. ऑल दो उनके फोर्सेज, उनका जो इरोनियस कॉन्सेप्ट थे फॉर माउंटेन बिल्डिंग, फॉर आइलैंड्स क्रिएशन, वो सब थोड़ा सा ऐसा था कि हम कह सकते हैं कि क्रिटिसिज्म था, बट स्टिल उनका जो सेंट्रल आइडिया था वो आगे जाके प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में कन्वर्ट होगा, वो धीरे धीरे हम देखेंगे. सो दिस इज अल्फ्रेड वेगनर्स कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी. आई थिंक आपको समझ में आया होगा.
अब चलते हैं दूसरे पार्ट पे, ठीक है। तीन थ्योरी हम देखेंगे। दूसरी जो थ्योरी है वो थी आर्थर होम्स ने दी, दैट इज कन्वेक्शनल करंट थ्योरी। अब वो समझ लेते हैं क्विकली। अकॉर्डिंग टू दिस कन्वेक्शनल करंट थ्योरी व्हाट हैपेंड इज, कन्वेक्शनल करंट थ्योरी दिस वॉज सजेस्टेड बाय आर्थर होम्स। एंड इन्होंने कहा कि ये जो ड्रिफ्टिंग हो रही है, मैंने आपको बताया कि सेंट्रल आइडिया वॉज एक्सेप्टेड, एंड ये सेंट्रल आइडिया पे कि हाँ भाई ऐसा कुछ हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट हुआ है, लेकिन फोर्सेस क्या हैं एग्जैक्टली वो बताते हैं आर्थर होम्स। आर्थर होम्स के हिसाब से उन्होंने बताया कि देयर इज सम फोर्स दैट इज कन्वेक्शनल करंट्स विच आर वर्किंग अंडरनीथ, ठीक है, जो आपका लिथोस्फेयर है, या फिर हम यूं कहें कि जो अंडरनीथ पार्ट ऑफ लिथोस्फेयर है, जिसको हम मैग्मा जहां से आएगा, सोर्स ऑफ मैग्मा जिसे हम कहेंगे, एस्थिनोस्फेयर जिसे हम कहेंगे, तो वहां पे कुछ कन्वेक्शनल करंट्स चलती हैं, एंड ये कन्वेक्शनल करंट है मोल्टन मैग्मा की। सो जो कन्वेक्शनल करंट है, व्हाट इज दिस कन्वेक्शनल करंट, व्हाट इज दिस कन्वेक्शन प्रोसेस, तो दिस इज नथिंग बट वर्टिकल ट्रांसफर ऑफ हीट, ठीक है। वर्टिकल ट्रांसफर ऑफ हीट इज नथिंग बट आर कन्वेक्शन। अब ये हीट आई कहां से, ठीक है, तो मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखाता हूं। फॉर एग्जाम्पल, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, सो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी उन्होंने कहा कि फॉर एग्जाम्पल दिस इज द कोर पार्ट, आपने पढ़ा होगा अर्थ में कोर है, मेंटल है, क्रस्ट है, ठीक है। इनको फिर हम डिवाइड करेंगे फर्दर, आउटर कोर, इनर कोर, अपर मेंटल, इनर मेंटल, ठीक है। क्रस्ट जो है उसको भी हम डिवाइड कर सकते हैं, अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट, ठीक है। तो दिस पार्ट जहां पे आपका दिस इज मैग्मा मेंटल, एंड इस मेंटल के अपर मोस्ट हम पार्ट में कह सकते हैं कि देर इज अ लेयर जहां पे आपको मैग्मा मिलेगा, ठीक है। दिस इज योर मैग्मा लेयर हम कह सकते हैं, एंड दिस इज नथिंग बट इट इज नोन एज एस्थिनोस्फीयर। एस्थिनोस्फीयर, सो एस्थिनोस्फीयर इज प्राइमरीली हम कह सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द वोल्केनोस आर ओरिजिनेटिंग, जो मैग्मा आ रहा है बाहर अर्थ की सरफेस पे, दैट इज फ्रॉम दिस एस्थिनोस्फीयर। अब इसी एस्थिनोस्फीयर से आपके पास करंट चल रही है, कन्वेक्शनल करंट। तो अगर हम बात करें कि यहां पे टेम्परेचर क्यों है, ये मोल्टन मैग्मा क्यों है, दैट इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। अब बिकॉज ऑफ दिस रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स यहां पे टेम्परेचर हाई है, एंड बिकॉज ऑफ दिस टेम्परेचर वी कैन से, यहां पे थोड़ा सा जनरल, इन जनरल मैं आपको बोल रहा हूं कि देयर इज सम मोल्टन रॉक मटेरियल, ठीक है, जिसको आपने मैग्मा कहा। टेम्परेचर इज वेरी हाई बिकॉज ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, ठीक है। अब यहां से वो जो मैग्मा है वो वर्टिकली आपको दिखेगा, कहीं कहीं पे राइज कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैग्मा यहां पे इस डायरेक्शन में राइज कर रहा है, तो ये एक सेल के रूप में फ्लो करेगा, एंड यहां से इस तरह से वुड बी द मोमेंट। नाउ बिकॉज ऑफ दिस सेल और बिकॉज ऑफ दिस कन्वेक्शनल करंट, व्हाट हैपेंस इज, आप देखेंगे कि ये प्लेट जो है वो अंदर जा रही है दूसरी प्लेट के, या फिर यूं कहें कि यहां पे सबडक्शन हो रहा है, एंड दिस डायरेक्शन इज गाइडेड बाय कन्वेक्शनल करंट्स। तो अब एक चीज हमें समझ में आई कि ये जो फोर्स बताया गया था वेगनर की थ्योरी में, दैट इज सन एंड मून का ग्रेविटेशनल पुल, उसकी बजाय जो फोर्स है रेस्पॉन्सिबल, दैट इज नथिंग बट अ कन्वेक्शनल करंट। तो कहीं पे कन्वेक्शनल करंट जो है वो क्रिएट करेंगी डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस मीन्स टू प्लेट्स आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर। वाई, आप देखिए फोर्स जो है उनको डिफ्लेक्ट कर रहा है इन टू डिफरेंट डायरेक्शन। समवेयर यू विल फाइंड कि ये जो कन्वेक्शन करंट है वो इस डायरेक्शन से आ रही है, ठीक है, दिस इज द डायरेक्शन, ठीक है। सो यहां पे क्या होगा, दिस टू विल कम टूगेदर, दिस टू प्लेट्स आर कमिंग टूगेदर, एंड यहां पे इसको बोलेंगे हम कन्वर्जेंस, ठीक है। सो बेसिकली व्हाट इज द आइडिया ऑफ दिस थ्योरी, इस थ्योरी ने हमें बताया कि व्हाट इज द फोर्स व्हिच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसके पीछे फोर्स क्या है। तो इनसाइड दिस अर्थ देर आर कन्वेक्शनल करंट्स। कन्वेक्शनल करंट क्या है, वर्टिकल सेल्स हैं, वर्टिकल पाउच हैं, जिनकी वजह से अपर लिथोस्फेयर जो है, या लिथोस्फेयर क्या है, क्रस्ट एंड मेंटल का अपर पार्ट, ये दोनों को मिला के हम लिथोस्फेयर बोलते हैं,
मतलब यहाँ की जो डेंसिटी है काफ़ी लाइटर है और वो सच में फ्लोट कर सकता है ओवर दिस एस्थिनोस्फेयर, ठीक है। तो एस्थिनोस्फेयर के ऊपर ये प्लेट्स एक तरह से मूव करती हैं एंड दिस इज द मोमेंट जब वो दूर जाती हैं एक दूसरे से, देन इट इज़ नॉन एज डाइवर्जेंस व्हेन दे आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर एंड व्हेन दे आर कमिंग टुगेदर टूवर्ड्स ईच अदर दिस इज नॉन एज कन्वर्जेंस। सो हम आगे प्लेट टेक्टोनिक में पढ़ेंगे व्हाट इज दिस कन्वर्जेंस व्हाट इज डाइवर्जेंस, बट अल्टीमेटली आपको समझना है कि ये फोर्स जो है वो इस थ्योरी से क्लियर हुआ कि व्हाट इज द फोर्स व्हाट आर द मैकेनिज्म व्हिच इज गाइडिंग दिस होल कॉन्सेप्ट ऑफ हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। अब इसके बाद एक बहुत इंटरेस्टिंग थ्योरी निकल के आती है एंड उसके बाद आपकी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में बात करूंगा। इस थ्योरी का नाम है सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। हैरी हेस जो है वो एक थ्योरी देते हैं जिसमें वो कहते हैं कि जो सी फ्लोर है जो ओशियन का फ्लोर है दैट इज स्प्रेडिंग और वो फैल रहा है बढ़ रहा है। अब ये जो थ्योरी थी ये काफी इंपॉर्टेंट थी क्योंकि यही तो वो थ्योरी है जिसमें आपको पता चल रहा है कि ओशियन क्रस्ट एक दूसरे से अलग जा रही है ना। आप देखिए फॉर एग्जाम्पल ये ओशियनिक क्रस्ट है, यहां से आपको देखिए मूवमेंट एक इस डायरेक्शन में है दूसरा इस डायरेक्शन में है एंड दिस इज नथिंग बट डाइवर्जेंस ही तो है जो अभी अभी हमने देखा। सो व्हाई दिस डाइवर्जेंस, ये क्यों हो रहा है डाइवर्जेंस, बिकॉज ऑफ वर्टिकल कन्वेक्शनल करंट, ठीक है, वर्टिकल कन्वेक्शनल करंट एंड इसके कारण यहां पे हो रहा है डाइवर्जेंस, कहीं कहीं पे होगा कन्वर्जेंस। अब एग्जैक्टली कहां पे ये सेल जो है राइज करेंगी कहां पे डिसेंड करेंगी दिस इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट एंड स्पेशली इसलिए डिफिकल्ट है कि ये जो मैकेनिज्म है काफी कॉम्प्लेक्स है। द सेकेंड थिंग इज दिस रिक्वायर्स द आप वहां पे जाए उस जगह पे तो वो काफी इनएक्सेसिबल है। सो वॉट एग्जैक्टली The factors working over there is very difficult to identify and predict. ठीक है, only thing that we can understand is कि वहाँ पे कुछ vertical movement है, somewhere it is vertical uprise, somewhere it is descending. ठीक है, इतना ही हम समझ पाए हैं। अब हम बात करते हैं sea floor is spreading. अब आप ये देखिए कि this negative और this negative rocks, ठीक है, after certain period of time, this is 1.5 million years ago, let's say, after some time or we can say On modern day, आप देखिए कि this negative plate is now situated far away from this MOR. ये जो MOR है, उससे अब काफी आगे situated है, and this area in between is covered by another rock group. ठीक है? यानी कि ये क्या है? ये ocean से ही तो निकल रहा है. So this ocean floor is nothing but spreading. ठीक है? So this idea of sea floor theory given by Harry Hess. This was Harry Hess. has actually also contributed in the formation of plate tectonic theory. अब plate tectonic theory आएगी, उसमें इन सब जो theories हैं, इनका काफी contribution है. तो वो हम समझेंगे क्या है plate tectonic theory, ठीक है? So I think ये clear हुआ आपको, what is sea floor spread theory? कि ocean जो floor है, वो spread हो रहा है. What is the force? Force again is the same, convectional force है, नीचे से magma rise हो रहा है, and because of that, sea floor is spreading, ठीक है? Now come to the next चैप्टर ऑफ अर्थ डिस्कशन, बट बिफोर दैट आप ये पिक्चर देखिए, दिस इज द अर्थ, इनसाइड दैट अर्थ आप देख सकते हो कि समवेयर देयर इज सबडक्शन एंड समवेयर आपको दिखेगा कि प्लेट्स जो हैं वो सबडक्ट करती हैं, कहीं पे डाइवर्ज होके बाहर नया जो क्रस्ट है उसको फॉर्म करती हैं, ठीक है? तो आई विल शो यू दैट इन डिटेल, डोंट वरी। सो व्हाट इज प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी? सो दिस आइडिया of plate tectonic was created combinedly by these three theories together, जिसमें आपका central idea of horizontal displacement Wegener theory से आया, that is continental drift theory से, forces जो responsible हैं वो हमें समझ में आए, these forces are convectional currents and जो sea floor spread कर रहा था उससे finally हमने ये conclusion निकाला and especially Morgan gave this idea for the first time कि plates are moving. अब पहले तो प्लेट्स क्या होती हैं, तो दैट लिथोस्फेरिक पार्ट, फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि दिस अपर लेयर इज क्रस्ट, देन वी हैव दिस मेंटल एंड देन वी हैव फाइनली कोर, ठीक है, इनर कोर एंड आउटर कोर। सो दिस क्रस्ट इज डिवाइडेड इन सर्टेन प्लेट्स और द हॉरिजॉन्टल पार्ट्स, ठीक है, या फिर यूं कहें कि दिस इज लिथोस्फेयर, दैट इज
upper 100 kilometer area. So this lithosphere is floating. ठीक है, इसमें काफी सारे parts हैं जिनको हम plate बोल रहे हैं, and they can slide and glide over what? Over this asthenosphere. So asthenosphere layer है यहाँ पे, in mantle we can say. So over this asthenosphere, the source of magma जो है, on this asthenosphere which is having semi-molten rocks in it, वहाँ पे lithospheric plates जो है वो move करती हैं, slide करती हैं and glide करती हैं, and that is your plates. Now what is plate tectonics? So plate tectonics is not only the movement of plates, we are concerned about what is the effect or the outcome. कि ये जो glide and slide हुआ, उससे what is the outcome, what all are the effects, and combined together all this phenomena, movement, effects and outcome, this is known as plate tectonics. ठीक है, so plate tectonics जो है उसमें आपको समझना होगा कि ये जो plate tectonics है, इसमें हमने plates देखी, and इस plates को अगर मैं दिखाऊं आप देखना, तो ये बहुत सारे जो हमारा horizontal continents है, there are so many plates, certain are major plates, for example you can see North American plate, South American plate, Indo-Australian plate, Eurasian plate, they all are the example of large या फिर major plates. Minor में भी बहुत है आपके पास, Nazca plate हो गई, Juan de Fuca हो गई, Philippine plate हो गई, Burmese plate, Arabic plate, Anatolia plate अभी बहुत news में है. So all they are minor plates. अब idea क्या है? Idea ये है कि ये plates move कर रही हैं, and इनका जो movement है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वही प्लेट टेक्टोनिक्स में इफेक्ट एंड आउटकम को दिखाएंगे. ठीक है, अब हम देखते हैं इस थ्योरी में, फॉर एग्जांपल कि लेट्स से दिस प्लेट टेक्टोनिक का जो आउटकम है, दैट वुड बी विजिबल स्पेशली ऑन द कॉन्टिनेंट्स मार्जिन, कॉन्टिनेंटल और यूं कहें कि प्लेट मार्जिन पे. ठीक है, सो If I say कि this two plates are there, let's say this two plates are coming together or towards each other. ठीक है, this is the moment. So this will be known as convergent plate moment. Convergent plate moment. अगर मैं यूं कहूं कि this two plates are moving away from each other. ठीक है, moving away from each other. So this is known as divergent प्लेट मूवमेंट. सो एक मूवमेंट ऐसा आएगा जहां पे ना तो डाइवर्जेंस होगा ना ही कन्वर्जेंस होगा, बल्कि दे आर स्लाइडिंग पास्ट ईच अदर. फॉर एग्जांपल दिस इज वन प्लेट, दिस इज अनदर प्लेट, सो वन प्लेट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, द सेकंड इन दिस वन, मींस दे आर स्लाइडिंग एंड नॉट कमिंग अगेंस्ट ईच अदर और दे आर नॉट गोइंग अवे फ्रॉम ईच अदर. ठीक है, एंड दिस इज नोन एज ट्रांसफॉर्म और दिस इज ऑल्सो नोन एज कंजर्वेटिव मूवमेंट. ठीक है, दिस इज नोन एज डाइवर्जेंट और कंस्ट्रक्टिव. कंस्ट्रक्टिव, वाई कंस्ट्रक्टिव? क्योंकि यही सी फ्लोर स्प्रेड थ्योरी में हमने देखा कि यहां पे नई क्रस्ट फॉर्म हो रही है. बिकॉज द न्यू क्रस्ट इज बींग फॉर्म, देयर फोर दिस इज ऑल्सो नोन एज कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन. यहां पे आप देखेंगे सबडक्शन, एंड सबडक्शन में व्हेन टू थिंग्स और द टू प्लेट्स आर कोलाइडिंग, सो दे विल ऑलवेज रिजल्ट इनटू द सबडक्शन और द डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रस्ट. ठीक है, तो डिस्ट्रक्शन है तो इसलिए इसको बोलते हैं हम डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री. ठीक है, सो दिस कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस एंड ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री. आई होप आपको समझ में आ रहा होगा. When they are coming together towards each other, this is convergence, converging towards each other. Divergence, then they are moving away from each other. And transform मतलब they are sliding past each other. So ये तीन तरह के movement आपको primarily देखने को मिलेंगे. Then we will again divide this convergent वाला into three other type of the movement. So let me erase this one. अगर आप screenshot लेना चाहते हैं तो you can take this screenshot. ठीक है, now this convergent plate margin or this moment can be divided into again three
वन इज जब कॉन्टिनेंट एंड ओशियनिक प्लेट ये दोनों आपस में एक दूसरे के कन्वर्जेंस में आ रही है या फिर एक दूसरे की तरफ आ रही है. सो वन प्लेट इज कॉन्टिनेंटल दैट इज सी, द अनदर प्लेट विच इज कमिंग टुवर्ड्स दिस कॉन्टिनेंटल दैट इज ओ. सो मोस्ट ऑफ जो आपकी प्लेट बाउंड्रीज होती है दे एंटायरली, अगर आपसे मैं पूछूं कि इज देयर एनी प्लेट विच इज एंटायरली ओशनिक इन नेचर, तो यस पैसिफिक जो प्लेट है दैट इज मोर ऑर लेस ओशनिक प्लेट, ठीक है, द ओनली प्लेट है. एंड अगर मैं आपसे बोलूं कि कॉन्टिनेंटल कोई प्लेट है तो मोस्टली हम कहेंगे कि यूरेशियन प्लेट इज नॉट एंटायरली कॉन्टिनेंटल बट मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ दिस यूरेशियन प्लेट इज कॉन्टिनेंटल इन नेचर. सो एंटायरली ओशनिक जो प्लेट है दैट इज योर पैसिफिक, ठीक है, एंड मोस्टली जो कॉन्टिनेंटल है दैट इज योर यूरेशियन प्लेट. अदरवाइज मोस्ट और वी कैन से जो बाकी आपकी प्लेट्स हैं दे आर द मिक्सचर ऑफ बोथ कॉन्टिनेंट एंड ओशनिक प्लेट, ठीक है. सो दिस यू हैव टू रिमेंबर, दिस इज इंपॉर्टेंट. नाउ दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ द कॉलिजन, दिस इज कॉलिजन ऑल्सो, इसको हम कॉलिजन बोलेंगे बिकॉज दे बोथ आर कोलाइडिंग, है ना. सो कॉलिजन, सो द फर्स्ट कॉलिजन इज सी ओ टाइप ऑफ कॉलिजन एंड दिस इज वेरी कॉमन, द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कन्वर्जेंस इज CO type of convergence. The second is C and C, ठीक है, जहां पे दोनों ही प्लेट कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट टाइप की होंगी. फॉर एग्जाम्पल द यूरेशियन प्लेट एंड इसके साथ जो कोलाइड कर रहा है दैट इज इंडियन और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट एंड दिस इज रिजल्टिंग इन टू द फॉर्मेशन ऑफ हिमालय. एंड यही हमें हिमालय फॉर्मेशन को समझने के लिए इतनी सारी जो थ्योरीज हैं, इतने सारे जो मोमेंट हैं वो समझने पड़े हैं, ठीक है. सो this is second type of the convergence or the collision and third collision hoga that is oo collision jisme ocean and ocean plate aapas mein collide karengi, theek hai. now come to one by one hum dekhenge inke bare mein. let me make one combined diagram of this whole process, theek hai. for example this is the continent, this is continent and we have here the another continent, let's say this is the another continent, theek hai, and this is ocean floor. so I am writing O means oceanic plate and this part is covered under the water, theek hai. now yahan pe main aapko teenon plate margins dikhaunga ki kya kya hote hain teenon type ke margin. सो फर्स्ट इज जस्ट अंडरस्टैंड कि यहाँ पे देर इज वर्टिकल अपराइजिंग ऑफ दिस मैग्मा एंड दिस मैग्मा लेट से इज कमिंग फ्रॉम विच पार्ट, दिस इज कमिंग फ्रॉम एस्थीनोस्फेयर, ठीक है, और सेमी प्लास्टिक ये होता है पूरा का पूरा, सेमी मोल्टन मैकेनिज्म होता है. फ्रॉम हेयर द मैग्मा इज गिविंग दिस डायरेक्शन एंड इसी डायरेक्शन के चलते हुए दिस टू प्लेट्स आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर एंड दिस मैग्मा इज कमिंग आउट, है ना, एंड गिविंग राइज टू सर्टेन मिड ओशनिक रिजेस. यहां पे रिज फॉर्म होगी स्मॉल माउंटेन टाइप एंड यहां से जो ये रिज है, सॉरी, दिस रिज विल बी इन दिस शेप, ठीक है, एंड दिस विल बी द फॉर्मेशन ऑफ न्यू क्रस्ट, ठीक है. यहां पे न्यू क्रस्ट फॉर्म हो रही है एंड दिस इज नथिंग बट डाइवर्जेंस और कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री. वाई कंस्ट्रक्टिव? बिकॉज न्यू क्रस्ट जो है वो डेवलप हो रही है. दिस न्यू क्रस्ट हैज बीन फॉर्म्ड एंड अल्टीमेटली दिस विल बी रग्ड और वी कैन से ये इरोड होके अल्टीमेटली ओशनिक फ्लोर का पार्ट बन जाएगा, ठीक है. नाउ अगर मैं आपसे कहूं कि दिस इज द डायरेक्शन, ठीक है, दिस इज द डायरेक्शन बट कॉन्टिनेंट जो है वो वहां पे है. नाउ बिकॉज ऑफ दिस स्टिल कॉन्टिनेंट, लेट से द कॉन्टिनेंट इज स्टिल, ठीक है, लेट्स अज्यूम. नाउ व्हाट हैपेंस इज कि जो प्लेट आपकी हैवी है, डेंसर है, एंड हमेशा याद रखना ओशनिक प्लेट इज जनरली हैवियर देन दिस कॉन्टिनेंटल प्लेट्स, ठीक है. रीजन है दीज आर बसाल्टिक रॉक्स, बसाल्टिक रॉक्स काफी डेंस होती हैं. दीज आर ग्रेनाइटिक रॉक्स, दे आर कंपेरेटिवली लाइटर, ठीक है. सो दिस बसाल्टिक रॉक बींग द हैवियर वन, ये क्या करती है, दिस विल सबडक्ट अंडर द कॉन्टिनेंट, ठीक है, ये सबडक्ट होंगी यहाँ पे
And this subduction is primarily guided by what? Primarily guided by this convectional current. And ultimately, ye convectional current is direction mein move kar rahi hai. And this would be the process here. So, kya hoga yahan pe? Just understand. Now, what happens is, here you will see this subduction. And subduction mein kya hoga? This rock will ultimately, when it reaches to the depth of 80 kilometer to 100 kilometer, and yahan pe aapka kya hota hai? Because of the high temperature and pressure conditions, this will be converted into molten rocks or semi-plastic mechanism, ya fir semi-molten rocks, and this will ultimately become the part of magma. Yani ki ye jo aap dekh rahe ho, this rock is going to be melt down, and ye jo hai aapka ultimately kya ban jayega? Magma. Theek hai? Now what happens is, the zone jahan pe ye subduction chal raha hai, yahan pe aapko dikhega the deep valley type of jaisa valley jaisa deep aapko ek feature dikhegi jisko hum bolte hain trench. Theek hai? So trench is the area jahan pe kya ho raha hai? Subduction ho raha hai. And isse aapka kya ho raha hai? Subduction ke chalte this lava is being formed, the magma is being formed, and this magma can also reach over this continent, है ना, बाहर भी आ सकता है, and इसी को हम volcanic activity बोलेंगे. So पहला moment आप देखिए divergence, this is your two plates are diverging away from each other. The second is this is convergence. Let's say this is the position of C and this is the position of O. तो दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, and therefore यहाँ पे क्या हो रहा है? The rock is ultimately being destructed, and यहाँ पे आपका form हो रहा है magma, and this magma can also travel out and form volcanic jo activities hain over this continental area also. Theek hai, samajh mein aaya? So one is this one is uprising, this is descending limb, and this whole is convectional currents. Now after this, let's go to the another part. I think ye aapko samajh mein aa gaya hoga. तो अगर मैं आपसे बोलूं कि कहीं मिड ओशनिक रिज फॉर्म हो रहा है, तो आप समझ जाना कि वहां पे क्या हो रहा है कि दो प्लेट्स दूर जा रही हैं एक दूसरे से, या फिर वहां पे क्या हो रहा है, डाइवर्जेंस हो रहा है एंड मैग्मा इज कमिंग आउट. और ये मैग्मा जो है इस तरह से आपका लेयर्स में धीरे धीरे करके पार्ट ऑफ ओशन फ्लोर हो जाएगा. तो एक जगह आप देखिए कि ओशन फ्लोर जो है वो स्प्रेड हो रहा है, दूसरी जगह आप देखिए जो ओशनिक प्लेट है वो वापस से क्या हो रही है, डिस्ट्रक्ट हो रही है. तो दिस कंस्ट्रक्शन एंड डिस्ट्रक्शन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. या फिर मैं यूं कहूं कि अगर प्लेट इस डायरेक्शन में मूव हो रही है, अगर प्लेट डिस्ट्रक्ट हो रही है, यानी पीछे वो कंस्ट्रक्ट भी होनी जरूरी होगी. जो ये कंस्ट्रक्शन एंड डिस्ट्रक्शन है, ये एक कन्वेयर बेल्ट मैकेनिज्म की तरह चलता रहता है. ठीक है, सो दिस इज द टू वेरी इंपॉर्टेंट मोमेंट ऑफ द प्लेट्स. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड the convergence especially. ठीक है, let me erase this one. If you want to take any screenshot, you can. Otherwise, ये बहुत common diagram है, आप कहीं भी मिल जाएगा. ठीक है, now come to the convergence first. So I will quickly discuss this convergence, and convergence में the first one that is CO type of collision. So in this CO, let's say the one plate is, this is continent, and in this continent आपको दिखा कि there is another plate, this is oceanic plate. अब आप ध्यान से देखिए कि when I make this oceanic plate, इसकी जो thickness है वो कम है. ठीक है, and this is the reality. जो oceanic आपकी जो crust होती है उसकी thickness कम होती है compared to continent, आप देख सकते हो. दूसरा यहाँ पे मैंने दिखाया कि बिकॉज आई एम शोइंग दिस मोमेंट, तो लेट्स से कि दिस ओशनिक प्लेट इज कमिंग टुवर्ड्स दिस कॉन्टिनेंट एंड दे बोथ आर हिटिंग ईच अदर. सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि बीइंग द डेंसर वन, ओशनिक प्लेट जो है वो सबडक्ट होगी, एंड आफ्टर सबडक्शन मैंने आपको बताया वट इज द पॉसिबिलिटी, दिस रॉक विल बी मेल्ट, विल बी मेल्टेड. तो ये कन्वर्ट होगा आपका इन मैग्मा. एंड दूसरा आप ध्यान से देखना, this when this collision is going on, with this collision this continental forehead, ya fir this forefront of the continent and this forefront of oceanic plate, ye dono jo hai they will be broken, and this broken part will ultimately give rise to
certain height, and this ultimately will squeeze and give rise to the certain height features, yeah, for certain mountainous features, and these are known as fold mountains. So what is fold mountain? Aap dhyan rakhna ki whenever this collision process is there, in this collision the forefront part of this two plates will be broken and squeezed and will be folded into the height features or then high features, and they are known as fold mountains. So kaise create hote hain this mountains? This mountain can contain both the parts of this continent wala rock as well as this oceanic wala rock. So this sediments jo hai dono ke aap dhyan rakhna, when they are colliding, this sediments are going to be folded up and they will give rise to the fold mountains. So this is the how fold mountain can be built. So ye aap dhyan rakhna ki generally jab aisa collision hota hai तो सीरीज और चेन ऑफ माउंटेन्स जो है वो बनती है, और इसे हम जनरली बोलते हैं कॉर्डिलेरा. ठीक है, कॉर्डिलेरा, सॉरी. सो ये आपको दिखेंगे अगर आप ऑक्सफोर्ड एटलस खोलेंगे, नॉर्थ अमेरिका में आपको देखेगा वेस्टर्न कॉर्डिलेरा. तो वो क्या है? चेन या फिर पैरेलल फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन इज नथिंग बट योर फोल्ड माउंटेन्स आपके फॉर्म हुए हैं. दूसरा, जब भी आप ध्यान रखें देयर इज कॉलिजन ऑफ प्लेट या कुछ भी प्लेट मूवमेंट होगा, there is always one thing you must be sure of, ki wahan pe earthquake aayega. What is earthquake? Simple, that is nothing but the shaking of earth. theek hai, to jab bhi shaking, jab bhi collision hoga, shaking of earth to yes hoga hi hoga, to yes. So if I ask you, if there is CO collision, so what are the things that you can see? Is one is fold mountain, yes. The second is earthquake aapko dikhega, yes dikhega. The third thing, the possibility is this magma can also reach through this continent and come out as volcanic mountains. ठीक है, so this is also the possibility. So क्या volcanic mountains होंगे या volcanic activity होगी? The answer is yes. So earthquake होगा, fold mountains form होंगे, then volcanic activity भी होगी. हमने ये तीन feature देखी जो इस collision से हमेशा जुड़े हुए होंगे. नाउ एक और चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि दिस पार्ट विल हैव ट्रेंचेस. ठीक है, सो ट्रेंच भी यहाँ पे एक फीचर होगी. सो क्या क्या होगा जब भी कॉलिजन होगा? ट्रेंच होगी नंबर एक. नंबर दो, मैग्मा कैन कम आउट एंड दिस मैग्मा इज कमिंग आउट एज अ वॉल्केनिक माउंटेन या फिर वॉल्केनिक इरप्शन हो सकता है. फोल्ड माउंटेन्स तो बनेंगे ही बनेंगे एंड अर्थक्वेक भी आएगा ही आएगा. अब इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि ये मैग्मा ये ट्रेवल कर पाता है बिकॉज ऑफ टू रीजन. वन इज ये जो कॉन्टिनेंट है इसको ब्रेक कर सकता है बिकॉज इट इज फोर्सफुल वन, और या फिर यूं कहें कि दिस मैग्मा हैज द कैपेबिलिटी टू ब्रेक और टू आइडेंटिफाई द वीक जोन्स. जो वीक जोन होते हैं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के, वो ढूंढ के वहां से बाहर आ सकता है. एंड इन दिस आइडेंटिफाइंग ऑफ वीक जोन्स आप ध्यान रखना कि ये जो वॉटर पार्टिकल्स हैं दे आर गोइंग टूगेदर अंडर दिस सबडक्शन. ये वॉटर पार्टिकल्स विल बी वेपराइज जब ये यहां पर पहुंचेंगे. सो वेन एवर देर इज ओशनिक प्लेट इज सबडक्टिंग अंडर एनी अदर प्लेट, तो ध्यान रखना कि देर इज वॉटर कंपोनेंट विच इज कन्वर्टेड इन टू स्टीम. एंड आप ये सोचिए कि स्टीम कितनी पावरफुल होती है. सो टू आइडेंटिफाई दोज क्रैक्स, जो क्रैक्स होते हैं उसमें से स्टीम बहुत आसानी से ट्रेवल कर जाती है. एंड दिस मैग्मा, फॉर एग्जाम्पल this steam, this water has been changed into steam, and ये steam जो है अगर अपना रास्ता ढूंढ लेती है तो this path of steam will be followed by magma, and therefore magma will also travel through this path which has been identified or created by water vapor. तो अगर मैं आपसे कहूं कि there is collision between oceanic plate and continental plate, क्या वहां पे magma ऊपर travel कर सकता है? हमेशा ध्यान रखना yes. ठीक है, अब इसी को देखते हुए आप एक बहुत फेमस एग्जाम्पल अपने दिमाग में बिठा सकते हैं. इस वाले एग्जाम्पल से, CO कॉलेजन से आपका फॉर्मेशन हुआ है द वेरी फेमस आपका रॉकीज. कहां पे है ये रॉकीज? इन वेस्टर्न पार्ट ऑफ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका. दिस इज बिकॉज ऑफ जुआन डी फूका प्लेट एंड दिस पैसिफिक प्लेट, दे बोथ आर सबडक्टिंग. दीज आर ओशनिक प्लेट ना दोनों, they both are subducting under North American plate. So this is the very famous example
of the formation of Rockies. तो ये आपके जो फोल्ड माउंटेन है, ये जो कॉन्टिनेंटल प्लेट है आपकी, ये है नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, एंड ये जो सबडक्शन चल रहा है दैट इज आपका पैसिफिक प्लेट, और जुआन डी फूका जो एक माइनर प्लेट है अमेरिका के यहाँ पे, उन दोनों का सबडक्शन चल रहा है. बिकॉज ऑफ दैट आपके फोल्ड माउंटेन्स आपको दिख रहे हैं वहाँ पे, एंड दैट इज नथिंग बट योर रॉकीज. एंडीज भी आप ऐसे ही मान सकते हैं फॉर्मेशन, ठीक है. तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ सी ओ कोलिजन. ये चार फीचर आपको ध्यान रखनी है, फोल्ड माउंटेन होंगे, अर्थक्वेक होगा, वोल्केनिक एक्टिविटी होगी, एंड ट्रेंचेज होंगी. जहां भी ट्रेंच है समझ जाना कि दिस इज द जोन ऑफ सबडक्शन, जहां पे नीचे आपका ओशियनिक जो इस केस में ओशियनिक जो आपकी प्लेट है, बीइंग द हैवियर एंड डेंसर, दिस इज सबडक्टिंग अंडर द कॉन्टिनेंटल प्लेट विच इज अदरवाइज अ लाइटर प्लेट, ठीक है. एंड ये जो जोन है आपका जहां पे ये मैग्मा में कन्वर्ट हो रहा है 80 किलोमीटर टू 100 किलोमीटर ऑफ द डेप्थ का, इसको बोलते हैं हम बेनी ऑफ जोन, बेनी ऑफ वदाती जोन भी बोलते हैं. सो दिस इज योर बेनी ऑफ जोन, ठीक है. सो दिस इज सी ओ कोलिजन. नाउ वी आर इंटरेस्टेड इन टू सी सी कोलिजन, बट मैंने आपको सी ओ इसलिए बताया क्योंकि एक बहुत बड़ा डिफरेंस है बिटवीन सी सी एंड सी ओ टाइप ऑफ कोलिजन. Now come back to the second type of collision. Let me make the another diagram. अब इस diagram में आप ध्यान से देखना, दो continent वाली plate को हम collide कराएंगे. For example, one plate is continental में, let's say it is Eurasian plate. And the second plate is Indo-Australian plate. या Indian plate आप कह सकते हैं. Now अब सवाल मेरा यह है कि जब दोनों कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट प्लेट हैं, दोनों ही लाइटर इंटेंसिटी हैं, तो क्या यहां पे सबडक्शन होगा? नंबर वन, अगर सबडक्शन होगा तो वो कैसे होगा फिर? तो पहली बात आपको ध्यान रखनी है, बिकॉज दीज टू आर हैविंग सिमिलर डेंसिटी, तो ये दोनों की सिमिलर डेंसिटी को देखते हुए आपका प्रॉपर सबडक्शन नहीं होगा, नंबर एक. तो पार्शियल सबडक्शन होगा, ये आपको ध्यान रखना है. दूसरी चीज, द प्लेट जो आपकी फास्ट मूव करती है एंड कंपैरेटिवली लाइटर है, और इस केस में इंडियन प्लेट जो है वो फास्ट मूविंग भी है एंड कंपैरेटिवली ओशियनिक पार्ट भी इसमें थोड़ा सा है, सॉरी दिस इज कंपैरेटिवली हम कह सकते हैं थोड़ी सी हैवियर और डेंसर भी है कंपेयर टू दिस यूरेशियन प्लेट. तो अब कौन सबडक्ट करेगा, पार्शियल सबडक्ट करेगा? इंडियन प्लेट इज गोइंग टू बी सबडक्टेड पार्शियली अंडर दिस यूरेशियन प्लेट, ठीक है. अब यहां पे बहुत इंटरेस्टिंग है, अब आपका मेन कॉन्सेप्ट चालू हो रहा है, दैट इज हाउ द हिमालयस आर फॉर्म, व्हाट इज द जियोलॉजिकल हिस्ट्री एंड व्हाट इज द प्रोसेस. तो जियोलॉजिकल हिस्ट्री मैं अभी बताऊंगा आपको, बट व्हाट इज द प्रोसेस, द प्रोसेस इज सी सी कोलिजन, दैट इज कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज. कन्वर्जेंस में हमेशा ध्यान रखना, देर इज लेटरल कंप्रेशन, दिस इज द लेटरल कंप्रेशन. आफ्टर दिस लेटरल कंप्रेशन क्या हुआ, हमने देखा द फ्रंट, द फोर फ्रंट पार्ट्स ऑफ दिस टू प्लेट्स वर ब्रोकन एंड देन स्क्वीज्ड इन फोल्ड माउंटेन्स, ठीक है. हमने देखा ये अपरैपिंग होती है एंड फोल्ड माउंटेन्स बनते हैं. नाउ वेरी इंटरेस्टिंगली, इफ आई मेक अ डायग्राम ऑफ दिस वन, लेट मी मेक अ डायग्राम, लेट से दिस इज यूरेशियन प्लेट, ठीक है. दिस इज यूरेशियन प्लेट विच इज, मैंने आपको बताया कि यू कैन कंसिडर इट इज ऑलमोस्ट कॉन्टिनेंटल. देन द अनदर प्लेट विच इज कमिंग टूवर्ड्स दिस वन एंड दिस इज योर इंडियन प्लेट, ठीक है, इंडियन प्लेट. अब इंडियन प्लेट जब आपको याद होगा, जब वेगनर के केस में मैंने आपको बताया कि जब ये इंडियन प्लेट मूव करती है टूवर्ड्स यूरोप या यूरेशिया, तो हमने देखा कि दिस वॉज, लेट से दिस वॉज इंडिया, ऐसी ही शेप थी इंडिया की, ठीक है, एंड यहां पे था कहीं यूरेशियन प्लेट एंड इन दोनों के बीच में था टेथिस सी, ठीक है, टेथिस सी. नाउ व्हेन इंडियन प्लेट वॉज मूविंग नॉर्थवर्ड, तो ये जो टेथिस सी था वो धीरे धीरे करके क्या होगा, कंप्रेस होके क्लोज होता जाएगा एंड दिस कंप्रेशन एंड लेटरल कंप्रेशन जो है, दिस अल्टीमेटली हैज रिजल्टेड इनटू एंटायर सबडक्शन ऑफ दिस टेथिस सी अंडर यूरेशिया. यानी कि ये जो टेथिस सी था, ये पूरा का पूरा जो ओशियनिक भाग था, ये सबडक्ट होके जा चुका है यूरेशिया के अंदर. एंड आप ध्यान रखिए, व्हाट इज दिस टाइप ऑफ कोलिजन, अब ध्यान रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस यूरेशिया इज
let's say continental plate, this Tethys Sea was oceanic plate and this Indian plate is again continental. अब दो तरह के कोलिजन आपको समझने हैं. पहला जो कोलिजन हुआ है बिटवीन यूरेशिया एंड टेथिस सी, ये तो वही है जो हमने अभी डिस्कस किया, दैट इज यूरेशिया कॉन्टिनेंटल प्लेट है एंड इज लाइटर, टेथिस सी इज ओशनिक प्लेट एंड इज हैवियर. देयरफॉर टेथिस सी वाला जो प्लेट है दैट विल सबडक्ट अंडर यूरेशिया. एंड जब ऐसा सबडक्शन होता है ओशनिक एंड कॉन्टिनेंट का, तो मैंने अभी अभी आपको बताया क्या क्या फॉर्म होगा. माउंटेन्स फॉर्म होंगे, फोल्ड माउंटेन टाइप, मतलब फोल्ड हुआ है सेडिमेंट एंड माउंटेन बना है, यस. वॉल्केनिक एक्टिविटी चांसेस आर, यस. देन आपको दिखेगा वहाँ पे ट्रेंच, लेकिन यहाँ पे ट्रेंच आपको नहीं दिखेगी क्योंकि अभी हमारा इंडियन प्लेट कोलाइड कर रही है, तो ट्रेंचेज आर नॉट देयर इन केस ऑफ हमारे हिमालय में, ठीक है. एंड द अनदर फीचर अर्थक्वेक, अर्थक्वेक तो बहुत कॉमन है इन केस ऑफ हिमालय. अब आपको दो चीजें दिमाग में बिठानी है. पहला जो हिमालय फॉर्मेशन में कोलिजन हुआ है दैट इज बिटवीन यूरेशिया एंड टेथिस, दैट इज सी ओ कोलिजन. एंड देयर फोर हिमालयाज में आपको एक अलग से माउंटेन्स दिखेंगे जिनका नाम है ट्रांस हिमालय. तो ट्रांस हिमालय जो है वो बने हैं इन दो कोलिजन से. तो यहां से आपका बना ट्रांस हिमालय, ठीक है, जिसमें आप इंक्लूड करते हो. ट्रांस हिमालय इज नथिंग बट I will tell you this in upcoming class. So Trans Himalaya is your, let's say, north में Karakoram, then आपका Ladakh range, plus Kailash range, Ladakh and Kailash, Kailash extended है towards this Chinese part, या फिर यूं कहें तिब्बत वाला part. Then we have this Jaskar. So all this are formed because of this continent and oceanic type of collision. तो आपको यहाँ पे जो है volcanic evidences मिलेंगे, यानी कि volcano जब भी आता है तो basalt, या फिर यूं कहें magma जो आता है वो basaltic होता है, and यहाँ पे आपको basaltic rocks मिलेंगी as an evidence. किन किन में मिल सकती हैं basaltic rocks? काराकोरम में, लद्दाख में, जास्कर में, ये जो माउंटेन रेंज है इसमें आपको वोल्केनिक एविडेंसेस मिलेंगे. ये वोल्केनिक एविडेंस यही सजेस्ट करते हैं कि टेथिस सी जो है वो यूरेशिया के अंदर पूरी तरह से सबडक्ट हो गया, यानी कि टेथिस सी अब क्लोज हो चुका है और वहां से आपको बन चुका है दिस ट्रांस हिमालयस, ठीक है. एंड अगर आप ध्यान से देखोगे ट्रांस हिमालय में एक रेंज का नाम है काराकोरम, इसी को बोलते हैं हम कृष्णागिरी, दैट इज नथिंग बट कृष्णागिरी और ब्लैक माउंटेन्स, ब्लैक माउंटेन्स. अब आप सोचिए कि ये ब्लैक माउंटेन्स क्यों है, कृष्णागिरी क्यों है? बिकॉज यहां पे आपके वोल्केनिक रॉक्स, बेसाल्टिक रॉक्स, जिन्हें यहां पे ऑफियोलाइट बोलेंगे हम, वो हाइपर बेसाल्टिक रॉक्स आपको यहां पे मिलेंगी. ये ब्लैक कलर की होती है, या यूं कहें कि डार्क कलर की होती है, एंड इसीलिए आपका ये नाम भी आपको दिख रहा है, दैट इज कृष्णा गिरी या फिर काराकोरम या फिर ब्लैक माउंटेन्स. अब मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा. तो पहली चीज आपको याद रखनी है हिमालय के फॉर्मेशन में कि पहला जो कोलिजन हुआ है उसमें टेथिस सी पूरी तरह से अंदर चला गया है यूरेशिया के, एंड उसकी वजह से बन गए हैं ट्रांस हिमालय. तो ट्रांस हिमालय बनने के बाद कॉन्टिनेंट एंड कॉन्टिनेंट कोलिजन हुआ है, एंड उसके बाद ग्रेट, मिडिल और लेसर हिमालय बने हैं. तो अगर मैं आपसे कहूं कि सबसे पहले कौन बना है, तो सबसे पहले बना है ट्रांस हिमालय. फिर जो स्टार्ट होता है फॉर्मेशन ऑफ हिमालय उसमें है ग्रेट हिमालय, देन मिडिल हिमालय, एंड देन आपका लेसर हिमालय या फिर शिवालिक आउटर हिमालय, ठीक है. अब समझते हैं हम, वापस आते हैं हमारे ओरिजिनल कॉन्सेप्ट पे, यूरेशियन प्लेट है, इंडियन प्लेट है. अब कौन सबडक्ट करेगा, लेट मी इरेज दिस पार्ट, ठीक है, वी विल अंडरस्टैंड अगेन कि व्हाट इज दिस फॉर्मेशन प्रोसेस. अब आप समझिए, लेट से दिस इज इंडियन प्लेट. अब इंडियन प्लेट जो है, मैंने कहा आपको कि इट इज मूविंग थोड़ा सा फास्ट एंड इट इज ऑल्सो लाइटर कंपेरेटिव टू दिस यूरेशियन प्लेट. अब इन दोनों रीजन के चलते हुए इंडियन प्लेट इज सबडक्टिंग, एंड दिस सबडक्शन इज वेरी पार्शियल, पूरी तरह से सबडक्शन नहीं है. तो ये जो इंडियन प्लेट है दैट इज गोइंग अंडर द यूरेशियन प्लेट. अब मैं आपको यूरेशियन प्लेट का अगर कलर चेंज कर दूं, फॉर एग्जांपल दिस इज यूरेशियन प्लेट
एंड अंडर दिस द इंडियन प्लेट इज सबडक्टिंग, ठीक है, एंड दिस सबडक्शन इज नॉट प्रॉपर सबडक्शन. तो यहाँ पे ट्रेंच होगी, ट्रेंच नहीं है यहाँ पे. तो सीसी जब भी कोलिजन हुआ है तो वहां पे ट्रेंच आपको नहीं दिख रही है, ठीक है, ध्यान रखना. दूसरा आपको ध्यान रखना है कि फॉर एग्जाम्पल बोथ आर कॉन्टिनेंट वाला प्लेट, ठीक है, तो इन दोनों की जो थिकनेस है, लेट से इसकी थिकनेस जो कॉन्टिनेंट क्रस्ट की है, हम मान लेते हैं 80 to 100 किलोमीटर आप अज्यूम कीजिए, एंड इंडिया की भी लगभग 80 to 100 किलोमीटर हम अज्यूम करते हैं इन डेप्थ, ठीक है. अब ये जो डेप्थ है, लेट से एनी हाउ अगर मैग्मा फॉर्म भी हुआ है इन दिस डेप्थ, ठीक है, दिस इज मैग्मा, एंड ये मैग्मा क्या इस वाली थिकनेस को ब्रेक कर सकता है 80 किलोमीटर प्लस अनदर 80 किलोमीटर, क्योंकि ये 80 किलोमीटर भी नीचे ही है. सो दिस थिकनेस इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू बी ब्रोकन बाय दिस मैग्मा लेयर, एंड इसीलिए आपको दिखेगा कि मैग्मा कांट ट्रेवल अप टू दिस मच ऑफ द डिस्टेंस, ठीक है. तो एक बात ध्यान रखना कि हिमालयस के केस में, या फिर यूं कहें कि इस कॉन्टिनेंट कॉलिजन वाले केस में, जहां पे दो कॉन्टिनेंटल प्लेट एक दूसरे के नीचे है, इस केस में जो क्रस्ट है वो डबल हो जाती है, एंड इस प्रोसेस को नाम बोलते हैं हम डबलिंग ऑफ क्रस्ट. एंड इसीलिए ये जो मैग्मा अगर फॉर्म हुआ है तो ये कभी भी आपको सरफेस पे नहीं दिखाई देगा. तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि व्हाई हिमालयस हैज नो वोल्केनो, इवन इफ यहां पे मैग्मा है, नीचे अर्थक्वेक है, सब कुछ है, लेकिन ये मैग्मा ट्रेवल करके ऊपर नहीं आ सकता, उसके पीछे क्या रीजन है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन इज दिस वन, डबलिंग ऑफ क्रस्ट. यानी कि नाउ दिस क्रस्ट अंडर द हिमालयाज इज ऑफ 150 किलोमीटर या 160 किलोमीटर इन डेप्थ, एंड दिस डेप्थ 160 किलोमीटर को ब्रेक करना इज नॉट अ वेरी इजी टास्क फॉर दिस मैग्मा, नंबर वन. नंबर टू, हैड इट बीन दिस वाटर पार्टिकल्स, अगर यहां पे वाटर पार्टिकल्स होते, फॉर एग्जाम्पल सम ओशियनिक कंपोनेंट होता यहां पे, तो दिस ओशियनिक कंपोनेंट से वाटर कुड हैव बीन कन्वर्टेड इनटू स्टीम, लेकिन यहां पे वो स्टीम भी नहीं है. अगर यहां पे ये वाटर पार्ट होता तो स्टीम बनता, और स्टीम जो है वो फिशर ढूंढ सकता है, वीक जॉन्स ढूंढ सकती है, बट यहां पे तो वो भी नहीं है. इस केस में क्या होगा, बिकॉज ऑफ दिस रीजन ऑल्सो, कि यहां पे आपका कभी भी वॉल्केनिक माउंटेन्स नहीं मिलेंगे, वॉल्केनिक एक्टिविटी नहीं मिलेगी. अब ये एग्जाम्पल आप समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट. फॉर एग्जाम्पल दिस इज यूरोप, ठीक है, एंड इन बिटवीन दिस यूरोप एंड अफ्रीका, बोथ आर ऑलमोस्ट आपकी क्या है, कॉन्टिनेंटल कॉम्पोनेंट्स हैं दोनों. अफ्रीकन इज ऑल्सो कॉन्टिनेंट, यूरोपियन प्लेट इज ऑल्सो कॉन्टिनेंट. नाउ दिस यूरोप के अंडर अफ्रीका इज सबडक्टिंग, बट इन बिटवीन देर इज मेडिटेरेनियन, है ना, एंड मेडिटेरेनियन जो है दैट इज ओशियनिक. सो बिकॉज ऑफ दिस सबडक्शन एंड देर इज द प्रेजेंस ऑफ वाटर, यहाँ पे जो हमारे इंडिया के केस में नहीं है, देर इज मेडिटेरेनियन बिटवीन दिस टू, एंड बिकॉज ऑफ दिस मेडिटेरेनियन दिस वाटर रीचेज इन टू दिस डेप्थ, एंड यहाँ पे स्टीम बन के वो आपकी वॉल्केनिक एक्टिविटी में कन्वर्ट कर सकती है. एंड ये आपको एग्जाम्पल मिलेगा मेडिटेरेनियन में, अगर आप देखेंगे देर आर सो मैनी वॉल्केनिक माउंटेन्स, ठीक है, द रीजन इज आप समझ रहे हैं, दिस इज द स्टीम हैज बीन कन्वर्टेड, दिस इज द मेडिटेरेनियन वाटर विच हैज ट्रेवल्ड with this subduction, ठीक है, and because of that volcano जो है आपको दिखाई दे रहे हैं, magma जो है वो ऊपर पहुंच जाता है इस stream को chase करते हुए. and बहुत famous example Stromboli कहाँ पे है, Italy के पास. then हमारा Mount Etna, Vesuvius, ये सारे के सारे Mediterranean के आसपास Europe वाले Italy वाले region में पाए जाते हैं. region समझ में आया, region एक तो ओशनिक प्लेट सबडक्ट कर रही है अंदर, एंड इसीलिए ये मैग्मा आसानी होती है मैग्मा को ऊपर आने में. अब इंडिया का केस समझते हैं, ठीक है, तो इंडिया में आपको समझ में आया कि वोल्केनो वहार नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि एक तो क्रस्ट डबल थिकनेस है, दूसरा मैंने आपको बताया कि कोई वाटर पार्टिकल या फिर ओशनिक पार्ट भी नहीं है इंडिया की प्लेट में. अगर ओशनिक पार्ट होता तो भी चांस होता वोल्केनिक एक्टिविटी का, ठीक है. नाउ लेट मी टेल यू दिस वेरी common figure which is you can remember. Now what is this common diagram, let's say this is aapka Eurasian plate and ye hai aapka Tibet.
ठीक है. एंड ओवर दिस तिब्बत हमने देखा कि फर्स्ट जो फॉर्मेशन था दैट इज योर ट्रांस हिमालय, ठीक है, दिस इज योर ट्रांस हिमालय. सो द ट्रांस हिमालयाज वर फॉर्म. एंड इसके बाद क्या हुआ है कि जब इंडियन प्लेट सबडक्टिंग अंडर दिस वन, सो दिस इज द थिकनेस, डबलिंग ऑफ थिकनेस, ठीक है, डबलिंग ऑफ क्रस्ट. नाउ दिस इंडियन प्लेट जो है वो पार्शियली सबडक्टिंग अंडर लेट से यूरेशियन प्लेट. एंड यहां पे हमने देखा विद द फर्स्ट सबडक्शन, या फिर हम देखेंगे ये सबडक्शन के कारण जो फोल्ड माउंटेन्स बने हैं, दिस इज द वन दैट इज योर ग्रेट हिमालय. देन वी हैव द अनदर दैट इज मिडिल और द लेसर हिमालय, एंड द थर्ड इज योर लेसर हिमालय और शिवालिक्स, ठीक है. सो तीन आपकी रेंज बनती है, ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय एंड द शिवालिक्स. एंड यहाँ पे आपके इन शिवालिक्स या फिर इन हिमालय से जो हैं बहुत सारे सेडिमेंट्स लाए जाते हैं रिवर्स के थ्रू, और ये यहाँ पे एक डिप्रेशन है जिसमें फिल किए जाते हैं, एंड ये डिप्रेशन में आपके इसीलिए बन गए हैं इंडियन प्लेन्स, ठीक है अभी. लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट इज कि यहाँ पे आपको वॉल्केनिक एक्टिविटी नहीं मिलेगी, ठीक है. रीजन मैंने अभी अभी आपको बताया कि ये मैग्मा कैन नॉट ट्रेवल दिस डबलिंग ऑफ क्रस्ट फिनोमेना, ठीक है, ये क्रस्ट की थिकनेस को ट्रेवल नहीं कर सकता. तो ध्यान रखना कि इन केस ऑफ सी सी कोलिजन, याद रखना, नंबर वन, क्या अर्थक्वेक होगा? आंसर इज यस. अरे जब भी कोलिजन होगा अर्थक्वेक तो होगा ही होगा ना. दूसरा, सेकेंड, क्या वहां पे वॉल्केनिक एक्टिविटी होगी? द वॉल्केनिक एक्टिविटी विल नॉट बी देयर. हिमालय में कोई वॉल्केनो है क्या? आंसर इज नो, देयर इज नो वॉल्केनो एट ऑल, ठीक है. एंड द थर्ड थिंग, क्या मैं आपसे पूछूं कि वहां पे ट्रेंच है क्या हिमालय में? तो आपको ट्रेंच भी नहीं दिखेगी. क्या फोल्ड माउंटेन्स यहाँ पे बनेंगे? अरे फोल्ड माउंटेन्स ही तो है हिमालय. सो फोल्ड माउंटेन्स हमेशा बनेंगे, क्यों? क्योंकि देयर इज कोलिजन. एंड विद दिस कोलिजन, हमेशा याद रखिए कि द फ्रंटल एजेस विल कोलाइड, विल बी ब्रोकन इन टू द पार्ट्स, एंड दे विल बी स्क्वीज्ड एंड अप फोल्डेड, अप रैप्ड इन टू द फोल्ड माउंटेन्स. तो हमेशा ध्यान रखना, इफ देयर इज सी सी कोलिजन तो क्या होगा? फीचर्स आर नंबर वन, फोल्ड माउंटेन्स, आंसर इज यस. अर्थक्वेक, आंसर इज यस. देन वोल्केनो, आंसर इज नो, ठीक है, वोल्केनो नहीं होगा. लेकिन अभी अभी मैंने आपको बताया कि इन केस ऑफ ट्रांस हिमालय पहले यहाँ पे आपको वोल्केनिक एविडेंसेस मिलेंगे, ठीक है. ऑफियोलाइट रॉक्स जो हैं, हाइपर बेसल वाली रॉक्स जो हैं, आपको ट्रांस हिमालय में मिलेंगी. क्यों? क्योंकि ये ओशनिक एंड कॉन्टिनेंटल प्लेट से बने हुए हैं, ठीक है. ये था आपका कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कोलिजन, एंड ये था आपका द ओरिजिन ऑफ हिमालय का पीछे क्या है स्टोरी, ठीक है. अब आपको समझ में आएगा, अब हम जो है नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे कि हिमालय जो है कैसे ओरिजिनेट हुए, एंड हिमालय के जो भी क्वेश्चन पॉसिबल होंगे प्रिलिम्स एंड मेंस के, वो हम नेक्स्ट वाले पार्ट में डिस्कस करेंगे. तो आई होप ये तीन थ्योरीज यहाँ तक, प्लेट टेक्टोनिक्स तक आपको समझ में आई है. ध्यान रहिए रखिए कि अगर आपको ये प्लेट टेक्टोनिक्स के पार्ट समझ में आ गए, तो प्रिलिम्स में जनरली आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि वोल्केनोस आर जनरली नॉट फाउंड इन द हिमालयस, व्हाट इज द रीजन? दो रीजन याद रखना इंपॉर्टेंट इज दिस वन, डबलिंग ऑफ क्रस्ट, दिस इज वन रीजन. एंड द सेकेंड रीजन इज ऑफकोर्स कि ओशनिक कॉम्पोनेंट नहीं है, एंड देयर फोर दिस मैग्मा विच हैज बीन कन्वर्टेड कांट ट्रेवल अप टू द डिस्टेंस ऑफ दिस सरफेस. सो इस लेक्चर को हम नेक्स्ट पार्ट में जो ओरिजिन है ऑफ हिमालय उसको कंप्लीट करेंगे, एंड ऑल्सो उसके साथ हम देखेंगे द मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ हिमालय. फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं आपको हिंट देके जाता हूँ. द एग्जाम्पल इज कि वेस्टर्न हिमालयाज आर ओल्डर देन ईस्टर्न हिमालयाज. वेस्टर्न हिमालयाज में आपको इन द फुट हिल्स आपको मिलेगा वेट इक्विटोरियल फॉरेस्ट, बट सॉरी नहीं मिलेगा वेट इक्विटोरियल फॉरेस्ट. ईस्टर्न हिमालय में आपको ये फॉरेस्ट मिलेंगे, उसके पीछे क्या रीजन है? देन आपको मैं बताऊंगा कि कैसे सिंटेक्सियल बेंड्स फॉर्म हुए, एंड वो क्यों इम्पोर्टेंट है इंडिया के लिए. कैसे हिमालयाज जो हैं ओवरऑल इम्पोर्टेंट हैं पूरे इंडिया के लिए, वो हम बात करेंगे. एंड इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि एज क्या है हिमालय की, खास करके ग्रेट हिमालय की, मिडिल हिमालय की, लेसर हिमालय की, और क्या है वहाँ का रॉक स्ट्रक्चर, ठीक है, वो सब हम बात करेंगे विद एविडेंसेस
कि सच में ग्रेट हिमालयस जो हैं वो बने हैं हमारे बिकॉज ऑफ दिस प्लेट टेक्टोनिक। ठीक है, सो तब तक के लिए बाय बाय। आई होप आपको ये सारा समझ में आया होगा। कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं कि अगर आपको कोई दिक्कत हुई है तो नेक्स्ट सेशन में आई विल एड्रेस दैट प्रॉब्लम ऑल्सो। ठीक है, आई होप दिस बायलिंगुअल मीडियम वॉज क्वाइट यूजफुल फॉर बोथ टाइप ऑफ द स्टूडेंट्स, दोज हु आर प्रिपेयरिंग फ्रॉम इंग्लिश मीडियम एंड दोज हु आर प्रिपेयरिंग फ्रॉम हिंदी मीडियम ऑल्सो। ठीक है, तो थैंक यू, बाय बाय, एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन वेरी सून।